हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रियल रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मूंग की दाल। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और इसे एक बार अगर आप बना लेंगे और इसका स्वाद चख लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और मूंग हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, और ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। इसे आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं, और मूंग की दाल भी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में, और ये बूढ़े बच्चे सभी को दिए जाते हैं क्योंकि ये पचने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए हरी मूंग की दाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक कटोरी भिगोई हुई मूंग की दाल लिए हैं। ये पूरी रात हम इसे भिगो दिए थे। आप अगर पूरी रात नहीं रखना चाहते तो कम से कम 5 से 6 घंटे भिगो कर रखें। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसे अब हम कुकर में 2 सीटी आने तक उबाल लेंगे। तो पहले इसे कुकर में सेट कर लेते हैं। इस प्रकार से आप भी एक बार बनाकर खाएं। हरी मूंग की दाल बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और इसे आप पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, बहुत स्वादिष्ट लगेगी और बहुत ही फायदेमंद होगी। कुकर में हम मूंग डाल दिए हैं और इसमें 1 गिलास हम पानी डाल रहे हैं, और इसमें थोड़ी सी आधा छोटी चम्मच से भी कम हम इसमें नमक डाल रहे हैं। थोड़ी सी नमक हम इसमें बाद में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कुकर को सेट कर देंगे और फिर इसे गैस पर 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। इधर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए हम रख दिए हैं गैस पर। तो इसमें हम देसी घी डाल रहे हैं। आप इसे देसी घी में बनाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। वैसे आपकी पसंद है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, तेल में भी अच्छी लगेगी। घी गर्म हो गई है तो इसमें थोड़ी सी जीरा हम डाल दिए हैं, और 1 चुटकी के करीब हींग डाल दिए हैं, और यहाँ पर आधा छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, और फिर इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 2 लौंग यहाँ पर डाल दिए हैं, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल कम रखे हैं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा आदि का हम इसका पेस्ट तैयार कर लिए हैं, और इसमें ये पेस्ट डाल रहे हैं, और फिर इसे मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। मसाले अच्छे से भूनेंगे तभी किसी भी सब्जी में मसाला भूनने के बाद ही टेस्ट अच्छा आता है, वरना मसाला अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो टेस्ट में गड़बड़ आ जाती है। 2 मिनट तक भूनने के बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल रहे हैं, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल रहे हैं। ये गरम मसाला घर में तैयार की हुई है, और यहाँ पर मूंग भी तैयार हो गया है दाल। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, और इसे मिला देंगे इसमें। इसे 1 मिनट तक अभी और पकाएंगे ताकि सारे मसाले और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा नमक जो हमें कम लग रहा था, बोले थे बाद में ऐड करेंगे, तो थोड़ा हम नमक इसमें डाल दिए हैं। वैसे आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट और अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालें, तभी स्वाद लगेगी खाने में। अब गैस को बंद कर देते हैं। दाल को 1 प्लेट में हम निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनकर तैयार हुई है, और थोड़ा सा हम ऊपर से फिर से घी डाल रहे हैं। हम दाल में घी थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं, आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप भी अपने घर पे बनाइए, खाइए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। हमारी रेसिपी आप सबको अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।